आईपीएल 2020 के सीजन की शुरुआत पर लगातार दिक्कतों पर दिक्कत आ रही है। और दोस्तों अब बीसीसीआई ने अपनी जीसी मीटिंग पर आईपीएल 2020 को लेकर 5 काफी बड़े फैसले लिए हैं और आज इस वीडियो में हम आपको इन्हीं 5 के 5 फैसलों के बारे में एकदम सारी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों यह सारी जानकारी जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। और अगर आप भी चाहते हो कि आईपीएल 2020 में आपकी फेवरेट टीम एक जबरदस्त शुरुआत करे तो इस वीडियो को दिल से 1 लाइक अभी कर दीजिए और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों अगर हम इस लिस्ट में 5वें नंबर के फैसले के बारे में बात करें तो दोस्तों बीसीसीआई लगातार कोशिश ये कर रही है कि आखिर 15-20 अप्रैल को अगर आईपीएल में मजबूरन हमको शुरुआत करनी पड़ जाती है तब शायद हमको आईपीएल के मैचेस थोड़े से कम कराने पड़ जाए। यानी कि दोस्तों जो हर टीमों के 14-14 मैचेस होते थे तो दोस्तों मई तक आईपीएल के मैचेस आईपीएल में बीसीसीआई को ख़त्म करने पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों जून से बीसीसीआई में भारतीय टीम का इंटरनेशनल कैलेंडर भी शुरू हो जाएगा। किसी भी तरह से मई के एंडिंग तक बीसीसीआई को आईपीएल का ख़त्म करवाना पड़ेगा और बीसीसीआई ये लगातार कोशिशें कर रहा है कि शायद हमको आईपीएल के मैचेस थोड़े से कम करने पड़ जाए। तो दोस्तों बीसीसीआई का ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा फैसला होने वाला है। अब अगर 4थे नंबर के डिसीजन के बारे में बात करें तो दोस्तों वो आ रहा है मोर डबल हेडर्स को लेकर। दोस्तों बीसीसीआई को अगर मैचेस या फिर दिन कम करने हैं तब उनको थोड़े से ज़्यादा दिन आईपीएल के 2-2 मैचेस कराने पड़ेंगे। पहले जो आईपीएल का फिक्स्ड शेड्यूल आया था उसमें ये डिसाइड हुआ था कि मात्र 5 डबल हेडर इस सीज़न में होने वाले हैं, परंतु अब इतना तो कन्फर्म हो चुका है कि हमको आईपीएल के ज़्यादा डबल हेडर मैचेस देखने को मिलने वाले हैं। बीसीसीआई इसके ऊपर भी अपना फाइनल फैसला कुछ दिनों में सुना देगा, परंतु हमको 10 से 15 दिन आईपीएल के 2-2 मैचेस देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों कुछ ज़्यादा डबल हेडर मुकाबले हमको आईपीएल 2020 में देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों अब अगर 3रे नंबर के फैसले के बारे में बात करें वो आ रहा है लेस वेन्यूज को लेकर। दोस्तों आप जानते हैं कि दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में इस साल कोई भी आईपीएल का मैच नहीं होने वाला, क्योंकि दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन ने ये साफ साफ कह दिया है कि यहाँ पर अगले कुछ समय तक कोई भी क्रिकेट मैच नहीं होने वाला। दिल्ली की टीम अपना होम ग्राउंड तो बदलने ही वाली है, साथ ही साथ बेंगलोर क्रिकेट एसोसिएशन ने भी ये कहा है कि बेंगलोर के जो चिन्ना स्वामी स्टेडियम है वहाँ पर भी कोई ज़्यादा मैचेस हमको देखने को नहीं मिलने वाले हैं। वानखड़े स्टेडियम में तो रोड सेफ्टी सीरीज भी कैंसिल कर दी थी। तो बीसीसीआई शायद हमको 2-4 वेन्यूज में ही आईपीएल 2020 को होते हुए करवा सकता है। तो दोस्तों शायद हमको थोड़े से वेन्यूज में भी कटौती आईपीएल 2020 के सीजन में होती हुई दिख सकती है। तो दोस्तों अब अगर 2रे नंबर के डिसीजन के बारे में बात करें वो आ रहा है एम्पटी स्टेडियम्स को लेकर। दोस्तों इतना तो कंफर्म हो चुका है कि जब आईपीएल 2020 का सीज़न होने वाला है तब उसके स्टार्टिंग के मैचेस में हमको कोई भी ऑडियंस नज़र नहीं आने वाली है, खाली स्टेडियम्स में ये मैच होने वाले हैं। और इसके ऊपर तो काफ़ी सारा कन्फर्मेशन काफ़ी समय पहले ही आ गई थी। तो दोस्तों आईपीएल 2020 का सीज़न हमको एम्पटी स्टेडियम्स में होते हुए दिख सकता है। तो दोस्तों अब अगर हम पहले नंबर और साथ ही साथ सबसे बड़े डिसीजन के बारे में बात करें वो आ रहा है लेस मैचेस को लेकर। दोस्तों बीसीसीआई ये काफ़ी कोशिश कर रहा है कि जो उनको मैचेस कम करने पड़ रहे हैं वो किसी तरह से भी ना कराया जाए, किसी भी तरह से सारे के सारे मैचेस को कंडक्ट कराया जाए और बीसीसीआई लगातार इस प्लानिंग में लगी हुई है। तो दोस्तों आप मान सकते हैं कि इसके भी अभी तक चांसेस है कि शायद हमको सारे के सारे मैचेस आईपीएल 2020 में देखने को मिल सकते हैं और ये भी काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात होने वाली है। तो दोस्तों यह थे वह 5 बड़े फैसले जिनके ऊपर जीसी मीटिंग में बीसीसीआई बात करने वाली है। तो दोस्तों आपके हिसाब से क्या आईपीएल 2020 का सीज़न 20 अप्रैल से शुरू होना चाहिए, क्या आप खुश हो? नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप नए शेयर कीजिए
और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।